Hello, everyone, and welcome back to my YouTube channel Knowledge Series. In this video, I am going to tell you about present continuous tense, and in the previous video, I told about present indefinite tense. So, let's see the rule of present continuous tense. The rule is subject plus is am. Um, r plus verb give first form plus ing plus object this is the rule of present continuous tense subject plus is am are plus verb give first form plus ing plus object now let's see how we use is am are in the sentences is am are kaise use hota hai sentences mein he she it and singular इसके साथ is इस लगता है आगे है I. इसके साथ एम आता है नेक्स्ट है यू दे एंड प्लूरल इनके साथ आर आता है सो इज एम आर किस किस के साथ आता है ही शी इट एंड सिंगुलर जिसको हिंदी में कहते हैं एक वचन के साथ इज आता है आई हमेशा एम के साथ आता है वी, यू, दे एंड प्लूरल जिसको हिंदी में कहते हैं बहुवचन के साथ आर आता है नेक्स्ट है रेकग्नाइज मतलब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है तो इसके लास्ट में रहा है रही है रहे हैं आता है नाउ लेट सी सम एग्जाम्पल ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस एफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल एफरमेटिव सेंटेंसेस नंबर वन है वह पत्र लिख रही है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा वह पत्र लिख रही है यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है तो गर्ल के लिए हमेशा शी लगाते हैं और शी के साथ क्या आता है इज शी इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट उसके साथ लग जाएगा आई एन जी और ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे द लेटर शी इज राइटिंग द लेटर नेक्स्ट देखते हैं मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ मैक को इंग्लिश में कहते हैं आई और आई के साथ हमेशा क्या आता है एम यहाँ पे वर्ब क्या है रीड और रीड के साथ क्या लगेगा आई एन जी आई एम रीडिंग द बुक मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ नेक्स्ट है नंबर थ्री पे वे स्कूल जा रहे हैं वे को इंग्लिश में कहते हैं दे और दे के साथ हमेशा क्या लगता है आर यहाँ पे वर्ब क्या है गो गो के साथ मैंने आई एन जी लगा तो ये बन गया गोइंग टू स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट तो बन गया दे आर गोइंग टू स्कूल आगे है नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स इसमें नोट लगता है तो इसका रूल क्या होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी की फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है तो इसके एग्जांपल है नंबर वन वह पत्र नहीं लिख रही है तो वह को इंग्लिश में कहते हैं शी शी के साथ हमेशा आता है इज इज के बाद आएगा नॉट और यहाँ पे वर्ब है राइट और राइट के साथ हमेशा क्या आता है आई एन जी तो बन गया राइटिंग दी लेटर नेक्स्ट है नंबर टू पे मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई आई के साथ हमेशा आता है एम उसके बाद आएगा नॉट यहाँ पे वर्ब है रीड रीड के साथ आ जाएगा आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट तो इसमें आएगा ए बुक मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं आई एम नोट रीडिंग अ बुक नेक्स्ट है वे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वे को इंग्लिश में कहते हैं दे और दे के साथ हमेशा आता है आर आर के बाद आएगा यहाँ पे नॉट दे आर नॉट गो यहां ये हो गया वर्ब आई एन जी तो ये बन गया गोइंग उसके बाद आएगा टू स्कूल ये हो गया ऑब्जेक्ट दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल वे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ये है नेगेटिव सेंटेंसेस नेक्स्ट है सेंटेंसेस सेंटेंसेसटिव सेंटेंसेस मींस जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है इन्हीं सेंटेंसेस को इंटरगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो इसका एग्जाम्पल है नंबर वन क्या वह पत्र लिख रही है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा वह के साथ हमेशा क्या आता है इज इज शी राइटिंग राइट की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आई एन जी आ गया तो बन गया राइटिंग अ लेटर यह हो गया ऑब्जेक्ट नेक्स्ट है नंबर टू क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ अब मैं के साथ क्या आता है एम आई रीड हो गई वर्ब और आई एन जी के साथ लग गया तो क्या हो गया रीडिंग आई एम रीडिंग बुक लास्ट में क्वेश्चन मार्क नंबर थ्री है क्या वे स्कूल जा रहे हैं वे के साथ क्या आता है आर आर दे, दे यहाँ पे सब्जेक्ट आर क्योंकि वे के साथ दे के साथ आर आता है और सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे दे आर दे गो यहाँ पे हो गया वे एन जी लग गए तो ये बन गया गोइंग टू स्कूल लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसमें इज एम आर लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एनजियन लास्ट में ऑब्जेक्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू